आज हम एक और एक प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट का इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसे कहते हैं वर्नियर हाइट गेज, जो कि मार्किंग करने के इस्तेमाल में आता है। जो ये जो हाइट गेज है, इसके अलग अलग भागों के नाम बताऊंगा मैं पहले। इसको बेस कहते हैं, जो कि सबसे निचला वाला भाग है, इसे बेस कहते हैं। ये जो है इसे बीम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मार्किंग किया है सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सेंटीमीटर, और ये आई एन बोले तो इंच, तो सेंटीमीटर का मार्किंग भी है, इंच का मार्किंग भी है, तो दोनों तरफ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहते हैं बीम या मेन स्केल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लाइड होने वाला भाग है, इसे हम लोग कहते हैं स्लाइड, और इसके ऊपर अलग अलग भाग लगे हुए हैं, जैसे कि इसे स्क्राइबर कहते हैं, जो मार्किंग करने के काम में आता है। जैसे आप सुबह सामने से देख सकते हैं, इसका एज जो है ये बहुत नुकीला है, पॉइंटेड है, जो कि जॉब के ऊपर मार्किंग करने में सहायक होता है। और ये जो आगे का जो भाग है, आगे का जो टिप है, ये कार्बाइड टिप है, जो कि हार्ड किया हुआ होता है और इसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट किया होती है। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टिंग, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू है ये लॉकिंग स्क्रू है, जिससे आप कोई भी रीडिंग यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसको मैंने लॉक किया हुआ है, ये लूज है। अभी इसको मैं जैसे घुमाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये नीचे, ये जीरो जो है ये नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग फाइन एडजस्टिंग कर सकते, जो जो कि हाथ से करना नामुमकिन नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है और बहुत वक्त भी लेता है। तो ये बहुत कम वक्त में अपने को जो भी रीडिंग चाहिए वो रीडिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इसको बाद में इसको टाइट करके वो लॉक कर सकते हैं। बाद में इसमें और एक एडजस्टमेंट होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, इसको भी फाइन एडजस्टिंग स्क्रू कहते हैं। जैसे ये स्केल जो है, ये स्केल हम लोग ऊपर नीचे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी मैंने ये स्क्राइबर जीरो पे लगाया, मतलब सरफेस प्लेट को इधर टिकाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्नियर हाइट गेज जो है वो अकेला इस्तेमाल में नहीं होता है, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको सरफेस प्लेट की जरूरत होती है और एंगल प्लेट की जरूरत होती है, जो कि जॉब को सपोर्ट देती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्क्राइबर है, ये स्क्राइबर की सतह अभी सरफेस प्लेट पे घिस रही है, मतलब इसका रीडिंग जो है यहाँ पे अभी जीरो जीरो है, आप देख सकते हैं। और अगर जीरो नहीं है तो हम लोग ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से, वो जीरो हम लोग एडजस्ट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के पीछे ये जो नर्लिंग किया हुआ दो नट लगे हैं, लॉकिंग नट, इसको टाइट करने से ये टाइट होता है और इसको टाइट करने से ये टाइट होता है, और इसको इसको टाइट करके इसको लूज करना है तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसको घुमाने से ये ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ये मैंने अभी लूज किया है तो ये ऊपर नीचे होता है। आप देख सकते हैं ये स्केल जो है यहां पर, जो कि ये सतह अभी जीरो जीरो मार्किंग होनी चाहिए, लेकिन ये जीरो अभी वर्नियर स्केल के नीचे आ गया, स्लाइडिंग स्केल के नीचे आ गया। तो इसको मैं अभी एडजस्ट करके दिखाता हूं। जैसे मैं ये एडजस्टिंग स्क्रू घुमाता हूं वो जीरो ऊपर आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं जीरो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अब ये मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो को मैच हो गया है, और वर्नियर स्केल का जो दसवां भाग है वो 49 भाग को, मेन स्केल के 49 mm को मैच हो गया है। तो इसको अभी मैं क्या करूंगा, इसको कस करके फिक्स कर दूंगा ताकि ये बीम फिर हिले नहीं, मेन स्केल हिले नहीं। अभी ये जो वर्नियर है, इसका जो काम करने का जो तत्व है वो वर्नियर कैलिपर के हिसाब से ही है। इसके अंदर भी दो स्केल होते हैं, जैसे ये मेन स्केल हो गया और ये वर्नियर स्केल हो गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे मार्किंग है 0 से लेके 10 तक, तो ये वर्नियर स्केल हो गया। और यहाँ पे 1 1 mm के जो मार्किंग है वो मेन स्केल के मार्किंग है। ये 30 mm तक, 30 सेंटीमीटर तक मार्किंग किया है, मतलब 300 mm तक हम इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं।
अभी इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उन्होंने एक खास डिजाइन बनाई है। आप सामने से या पीछे से देख सकते हैं, ये जो दो सतह बनाई है ये अपने ग्रिप के लिए बनाए। जैसे आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको ऐसे पकड़ के इसको आगे पीछे कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात है, अभी ये जो जॉब है, ये जॉब के ऊपर मुझे मार्किंग करनी है, समझिए। ये जॉब के ऊपर मुझे 10-10 mm के ऊपर मार्किंग करें, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये चेक करता हूँ कि इसकी सतह जो है वो ठीक है या नहीं। इसको मैंने पहले सरफेस प्लेट के ऊपर टिका दिया, ये स्क्राइबर जो है, ये स्क्राइबर को मैंने सरफेस प्लेट को टिका दिया और मैं इसको हिला के देखता हूँ कि वो नीचे टच हुआ है या नहीं हुआ है, और मैं इधर रीडिंग देखता हूँ 0-0 है या नहीं। तो ये 0-0 रीडिंग है, इसका मतलब इसका सेटिंग ओके है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं ऊपर लेता हूं, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर लेके अभी मुझे 10 mm को सेटिंग करना है, तो मैं आसानी से सेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको लॉक करता हूं। ऊपर लॉक करके फिर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के माध्यम से मैं उसको 10 mm का एडजस्ट करके लेता हूं। अब ये 10 mm का एडजस्ट हो गया, जैसे आप देख सकते हैं ये जीरो जो है वो 1 सेंटीमीटर को मैच हो गया, मतलब इसका सरफेस प्लेट, इसको डेटम सरफेस भी कहते हैं या जीरो सरफेस, जीरो से लेके इसका अंतर अभी 10 mm हो गया। जैसे मैं अभी आपको मार्किंग करके दिखाऊंगा, अभी ये जो जॉब है, ये जॉब की सतह फिनिश हुई है, ऐसे ही जॉब इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका सरफेस फिनिश किया, इसके ऊपर चौक लगा हुआ है और इसके एजेस भी है, एजेस भी इसको फिनिशिंग करके उसको राइट एंगल में बनाया है। इसके सरफेस प्लेट के ऊपर कोई भी रफ जॉब इस्तेमाल नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसके ऊपर मार्किंग कैसे करते हैं। अभी ये जो एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट ये जॉब के सामने रख, जॉब उसको टिका के रखते हैं ताकि इसको जॉब को सपोर्ट मिले, तो ये जॉब इसको राइट एंगल में पकड़ लिया जाता है और वर्नियर हाइट गेज इसको नजदीक लाके स्क्राइबर उसको टिका के फिर ऐसे घुमाते हैं और उसके ऊपर मार्किंग करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे एक लाइन आ गई है, तो ये जो लाइन है ये स्क्राइबर के घिसने की वजह से आ गई है, और ये जो यहां से अंतर जो है तो ये अंतर इसका 10 mm हो गया। इसी प्रकार हम लोग अलग अलग तरह के मार्किंग इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें मार्किंग सिर्फ कर सकते हैं जो राइट एंगल में हो, राइट एंगल में या स्ट्रेट लाइन ही इसके ऊपर मार सकते हैं, इसको इसको कर्व या सर्कल मार्किंग नहीं कर सकते।